हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनुजा गुप्ता, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं कौन सा टॉपिक ले रही हूँ? आज मैं ले रही हूँ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इससे पहले मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल में स्टेप्स सारे बता चुकी हूँ, उसमें से सबसे पहला स्टेप ही यही होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। ये क्या कौन सा स्टेप होता है? स्टेप वन होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन जो फिक्स होता है वो बहुत तरह से फिक्सिंग होती है। इसमें एक होता है बायोलॉजिकली, ठीक है। बायोलॉजिकली जो है नाइट्रोजन फिक्स होती है, क्योंकि नाइट्रोजन डायरेक्टली जो प्लांट्स हैं नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, तो बायोलॉजिकल यानी कि लिविंग बींग्स उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड दूसरा होता है इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, ओके। इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, जो कंबशन प्रोसेस होता है उसके थ्रू भी नाइट्रोजन फिक्स होती है। सबसे पहले ये यूरिया के फॉर्म में एंड देन अल्टीमेटली अमोनिया के फॉर्म में ही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ओके। तो लेट्स हैव अ लुक ऑफ दैट वन। सबसे पहले तो बायोलॉजिकल नाम अगर आ रहा है तो हमें पता है कि इसमें क्या है, इसमें लिविंग बींग्स इंक्लूड है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर इंक्लूड इन दिस टेक्निक। और वही क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अमोनिया में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसी को ही क्या बोल रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ओके। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म यहाँ पे दो तरह के हैं, ठीक है। एक तो होते हैं फ्री लिविंग, एक दूसरे होते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक नाम सुना होगा आपने। फ्री लिविंग क्या होते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म अकेले ही सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और सॉइल में अकेले ही क्या करते हैं, नाइट्रोजन को कैप्चर करते हैं। कहाँ से कैप्चर करते हैं, एटमॉस्फेयर से कैप्चर करते हैं, और वहाँ से कैप्चर करके इसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अजोटोबैक्टर, ओके, क्लॉस्ट्रीडियम, एनाबिना, नॉस्टॉक, ओके। तो ये सब क्या है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं उसके, और जिसके बारे में मैंने डिटेल में एक अलग सेपरेट वीडियो में उसके बारे में बात की हुई है, प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। तो उससे क्या होगा, आपको एक डिटेल पता चलेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ मेन नाम ही बता रही हूँ, ठीक है। ठीक है, एक और नाम बता देती हूँ, रोडोस्पाइरिलम, उसके अलावा बेजरेंकिया, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन फ्री लिविंग। तो ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। सिम्बायोटिक में दो हैं मेन, फ्रेंकिया एंड राइजोबियम, ठीक है। मेन दो हैं फ्रेंकिया एंड राइजोबियम। फ्रेंकिया बट क्या है, ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में मिलता है, ओके, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। और ये किस में मिलता है, लेग्यूमिनस प्लांट में मिलता है। लेग्यूमिनस प्लांट कौन से हो गए, लाइक फॉर एग्जांपल पी हो गया, बीन्स का प्लांट हो गया, ये लेंटिल्स हो गए, ये सब क्या हुए, लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, ओके। ये दोनों क्या होते हैं, जनरली अकेले जब ये नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करते तब ये क्या करते हैं, दोनों ही किस फॉर्म में मिलते हैं, फ्री फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। किसी के साथ एसोसिएशन नहीं होता है, बट जैसे ही इनको नाइट्रोजन फिक्स करना होता है, दे हैव टू एसोसिएट विद देयर रिस्पेक्टिव प्लांट, लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस, तभी वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये सब ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इन सब में एक मेन तरह की सेल होती हैं, ठीक है, मेन नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल होती है, जिसके अंदर एक स्पेशल एंजाइम होता है कॉल्ड नाइट्रोजिनेज, जो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होता है इस नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए। इसके बारे में हम डिटेल में अभी देखते हैं थोड़ी देर में कि नाइट्रोजिनेज एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं, मैं इसका एग्जांपल लेती हूँ राइजोबियम का, जो लेग्यूमिनस प्लांट में क्या करता है, उसके साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्रिएट करता है, ताकि वो क्या करे, नाइट्रोजन को फिक्स कर सके। तो एक्चुअल में वो कैसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्रिएट करता है, लेट्स हैव अ लुक ऑफ दैट वन, ठीक है। क्या होता है, या अगर आपने किसी भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाला या राइजोबियम वाले प्लांट को अगर देखा होगा, You'll be able to see कि वहाँ पे क्या होता है, मोटी मोटी आपको क्या होते हैं, नॉट दिखती हैं, ऐसे मोटी मोटी गाँठे दिखती हैं रूट्स में, नॉट बोलते हैं, ठीक है। वो ही क्या है, दैट शो कि यहाँ पे राइजोबियम का म्यूचुअल एसोसिएशन है या सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ओके, वन मोर थिंग, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब समझते हैं, क्या होता है इसमें, दोनों ही क्या है, एक पार्टनरशिप करते हैं, दोनों ही क्या है, इक्वली उस पार्टनरशिप में अपना इनपुट दे रहे हैं, ताकि उसका कोई रिजल्ट निकले। तो मतलब दोनों एक दूसरे को इक्वली बेनिफिट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही काम करता जाएगा और दूसरा कुछ भी काम नहीं करेगा, दोनों इक्वल काम करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि अब इसमें कैसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, और हेडिंग को हम क्या बोलते हैं, नोड्यूल फॉर्मेशन, नोड्यूल
फॉर्मेशन। ओके, तो क्या होता है कि ये हमारी रूट है, दिस इज आर रूट। रूट में क्या प्रेजेंट होती है? रूट हेयर प्रेजेंट होती है, करेक्ट? ठीक है, रूट हेयर प्रेजेंट होती है। अब इस रूट हेयर के पास आसपास क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर सॉइल पार्टिकल प्रेजेंट है, यहाँ पे सब जगह सॉइल पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, रूट हेयर है जो सॉइल में ही प्रेजेंट होती है, राइट। यहाँ सॉइल पार्टिकल के पास ही क्या प्रेजेंट है? बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ओके, एंड कौन सा वाला प्रेजेंट है? ये राइजोबियम, राइजोबियम यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो ये क्या है आपका? राइजोबियम। ओके, एंड दिस इज योर रूट हेयर, रूट हेयर, क्लियर। और ये सॉइल पार्टिकल है। अब क्या होता है, जैसे ही राइजोबियम को नाइट्रोजन फिक्सिंग करना होता है, ये राइजोबियम क्या होता है, इस रूट हेयर के पास में आता है और क्या करता है, इसके पास आके इसके पास ये बैक्टीरिया आता है और यहाँ पे क्या करता है, इन्फेक्शन क्रिएट करता है। यहाँ पे क्या करता है, इस रूट हेयर में इन्फेक्शन क्रिएट करता है और उसकी वजह से क्या होता है, ये जो रूट हेयर है थोड़ी सी कर्ल हो जाती है। ओके, लाइक दिस आई एम मेकिंग, तो मैं अब इसका ये व्यू बता रही हूँ आपको, आई एम मेकिंग दिस व्यू। ये हो गई रूट हेयर कर्ल, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कर्ल हो गई है और यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया है, यहाँ पे बैक्टीरिया सारे आ गए हैं और इन्फेक्शन क्रिएट कर दिया है, ठीक है। इन्फेक्शन क्रिएट करने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, ये इन्फेक्शन हो गया। ओके, इन्फेक्शन क्रिएट करने के बाद ये अब क्या करेगा, ऑब्वियसली ये बैक्टीरिया इसके अंदर एंटर करने की कोशिश करेगा, तो ये क्या करता है, एक इन्फेक्शन थ्रेड बनाता है जो इस रूट हेयर के अंदर एंटर कर जाता है। तो चलिए एक इन्फेक्शन थ्रेड हम बनाते हैं, ये हमारा इन्फेक्शन थ्रेड बन गया, ठीक है। और ये हुआ बैक्टीरिया और यहाँ पर ये बैक्टीरिया एंटर करके यहाँ पर क्या बना लेता है, इन्फेक्शन थ्रेड बनाता है और कहाँ, इस रूट हेयर के कॉर्टेक्स में पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है? कॉर्टेक्स में, ठीक है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताती हूँ। रूट हेयर में क्या होता है, यहाँ पे ये सबसे पहली क्या होती है, एपिडर्मिस। ओके, उसके बाद यहाँ पे सेल होती हैं जो सारी, दीज ऑल सेल दे आर कॉल्ड दी कॉर्टेक्स। ओके, दे ऑल आर कॉल्ड दी कॉर्टेक्स, सो दिस इज कॉर्टेक्स। उसके बाद अंदर एक सेल होती है विच इज कॉल्ड दी एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस, और इसी के अंदर होती है स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होती है, ये पैरेनकाइमेटस सेल्स होती है कॉर्टेक्स की, और इसके अंदर ही सेल होती है वो क्या होती है, स्क्लेरेनकाइमा सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरीसाइकल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पेरीसाइकल, और इस पेरिसाइकल में ही क्या प्रेजेंट होता है, वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये ऐसे होता है राउंड फॉर्म में, ये हो गई आपकी एपिडर्मिस, फिर ये आपका पूरा कॉर्टेक्स हो गया, फिर ये हो गया एंडोडर्मिस, और इसके अंदर ही ये सारा क्या हो गया, पेरिसाइकल हो गया, और इसी के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, वैस्कुलर बंडल कुछ इस तरह से अरेंज रहते हैं, डिपेंड कि वो मोनोकॉट है या डायकॉट है, रूट है या स्टेम है, तो उस तरह से ही अरेंज होते हैं। तो मैंने इसका ये एक पार्ट लेकर इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इन्फेक्शन थ्रेड कहाँ तक पहुँच जाता है, उसके कॉर्टेक्स तक पहुँच कर, और वहाँ पर जाके उस बैक्टीरिया को क्या करते हैं, रिलीज कर देता है। अब बैक्टीरिया यहाँ पर रिलीज करके अपने आप को क्या करेगा, कंटिन्यूसली डिवाइड करेगा और अपना नंबर इंक्रीज करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसकी नेक्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है। अब नंबर जैसे ही इंक्रीज करेगा तो ये क्या करेगा, ये आसपास की यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेगा बहुत ज़्यादा डिवाइड करके, और ये क्या करेगा, यहाँ इसके पेरिसाइकल सेल एज वेल एज कॉर्टेक्स सेल, इन दोनों सेल को भी इनको इनिशिएट करता है कि ये भी रैपिड डिवाइड करे। तो ये भी क्या है, क्योंकि ये सेल्स क्या हो गई है, इन्फेक्टेड हो गई है, तो अब ये सेल भी क्या कर रही है, अपने आप को रैपिडली डिवाइड कर रही है, और उसकी वजह से यहाँ पे ट्यूमर और अ ग्रुप ऑफ सेल बन जाता है, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, नोड्यूल बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें, ये आपका रूट हुआ, ओके, दिस इज ओके। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दिस इज पेरिसाइकल, बट ये क्या हुआ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवाइड करने लग गई, ओके फाइन। ये आपका एंडोडर्मिस एंड दिस इज योर कॉर्टेक्स, ओके।
तो यहाँ पे ये क्या हुआ, बहुत ज़्यादा डिवाइड किया इस सेल ने कॉर्टेक्स। ओके सो ये हो गया आपका। ओके समझ में आ रहा है। तो ये बैक्टीरिया आपका यहाँ से आया और यहाँ पे कुछ बैक्टीरियल सेल्स भी है, क्या होता है अपने आपको डिवाइड करके एक स्पेशल टाइप की सेल बनाती है। बैक्टीरियल सेल की बात कर रही हूँ जिसको बोलते हैं हम नाइट्रोजन फिक्सर सेल, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स, जिसका दूसरा नाम है बैक्टीरियोइड्स, बैक्टीरियोइड्स। ओके इसमें क्या स्पेशलिटी होती है कि इसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, और ये सेल को क्या होता है एनारोबिक कंडीशन चाहिए होती है अपने आप को आगे नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए। और ये जो आपकी कॉर्टिकल और पेरिसाइकल सेल है ये अपने आप को डिवाइड करके ये एक पूरा नोड्यूल बना लेती है, इसी को हम क्या बोलते हैं नोड्यूल। ठीक है समझ में आ रहा है। क्या हुआ, बैक्टीरिया आया रूट हेयर के पास, आया रूट हेयर को इन्फेक्ट किया, ये कर्ल हो गया, एक इन्फेक्शन थ्रेड बनाया और इन्फेक्शन थ्रेड वो क्या हुआ अंदर तक एंटर कर गया। दिस इज द इन्फेक्शन थ्रेड, इन्फेक्शन थ्रेड। ओके अब ये इन्फेक्शन थ्रेड अंदर जाता है, कॉर्टेक्स में एंटर करता है, पेरिसाइकिल में भी एंटर करता है और उनकी सेल को भी क्या करता है रैपिड डिवीजन के लिए स्टार्ट करता है, ये एक्टिवेट करता है। तो ये सेल क्या होती है रैपिडली डिवाइड करती है, अपने आपका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, अल्टीमेटली क्या बना लेती है नोड्यूल बना लेती है। और ये बैक्टीरिया सेल है ये डिवाइड हो गए एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल बनाते हैं जिसको के बोलते हैं हम बैक्टीरियोइड्स, जिसमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। मतलब ये पूरे नोड्यूल में क्या प्रेजेंट है अभी नाइट्रोजिनेज एंजाइम। तो एक्चुअल में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा वो यहाँ पर ही होगा। ठीक है नाइट्रोजन को फिक्सेशन जो होना है वो यहाँ पर ही क्रिएट होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म कि अब ये नाइट्रोजन यहाँ पे नोड्यूल बन गया, पूरी तैयारी हो गई है प्लांट में, अब ये नाइट्रोजिनेज कैसे काम करेगा और कैसे नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ दैट वन। सो आई होप ये नोड्यूल फॉर्मेशन आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको जैसे बताया है कि नाइट्रोजन एंजाइम जो है नाइट्रोजिनेज एंजाइम ये क्या है एनारोबिक एंजाइम है, इसको एनारोबिक कंडीशन चाहिए होती है। अगर इसमें एरोबिक कंडीशन हुआ तो ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये काम नहीं कर पाएगा, तो इसलिए इसको एनारोबिक चाहिए। ठीक है तो यहां पे पहले तो हेडिंग डालते हैं मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। ठीक है चलिए अब देखते हैं ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ओके इसको कैसी कंडीशन चाहिए एनारोबिक कंडीशन चाहिए। ओके तो ये क्या है इसमें दो तरह की यूनिट प्रेजेंट होती है FEMO यूनिट, ठीक है एंड FES यूनिट। ओके कौन कौन सी यूनिट है FEMO यूनिट एंड FES यूनिट। इसको क्या चाहिए इसको एनारोबिक कंडीशन चाहिए, बट क्या होगा प्लांट है उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता होगा तो उसमें एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं लैग हीमोग्लोबिन। ठीक है एक्चुअली ये जो सेल है जो ये आपकी पेरिसाइकल है और कॉर्टेक्स की सेल है इनमें दो तरह का ये प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजिनेज एंड लैग हीमोग्लोबिन। ये लैग हीमोग्लोबिन क्या होता है इट इज़ एक्टिंग एज अ ऑक्सीजन स्केवेंजर। क्या कर रहा है इट इज़ एक्टिंग एज अ ऑक्सीजन स्केवेंजर। तो जहाँ भी ऑक्सीजन होगा वो उसके साथ बाइंड हो जाएगा और जैसे ही इसके साथ बाइंड होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सी लैग हीमोग्लोबिन। अंडरस्टूड जहाँ पे भी ऑक्सीजन है वहाँ पे ये क्या होगा ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर ऑक्सीलैग हीमोग्लोबिन करेगा और क्या करेगा एक एनारोबिक कंडीशन को मेंटेन करेगा ताकि नाइट्रोजिनस एंजाइम अपना काम कर सके। ओके क्या करेगा एनारोबिक कंडीशन मेंटेन करेगा। अब देखते हैं कि नाइट्रोजिनस एंजाइम कैसे काम करता है, चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। ये आपका क्या है दिस इज योर नाइट्रोजिनस एंजाइम, ठीक है ओके This is nitrogenase enzyme. अब क्या हुआ एटमॉस्फेयर से क्या आ गया मेरे पास नाइट्रोजन आ गया और अगर आप नाइट्रोजन को देखोगे तो इसमें क्या होता है इसमें एन एन ट्रिपल एन मतलब कि इसमें एन जो है वो तीन बॉन्ड के थ्रू थ्री बॉन्ड्स के थ्रू एन के साथ कनेक्ट होता है। तो ये एंजाइम इस नाइट्रोजन को कैप्चर कर लेता है और बाइंड कर लेता है और बाइंड करके ये क्या करता है इसमें इस तरह से बाइंड हो जाता है। देखते हैं कैसे बाइंड होता है, ठीक है मैं सिंगल ही बनाती हूँ। तो ये नाइट्रोजन इसमें बाइंड हो गया आकर,
like this. So this is okay, clear. This is how nitrogen bind. अब क्या होगा, नाइट्रोजन बाइंड होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा. तो यहाँ पे क्या होगा, टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आएंगे. क्या आएंगे, टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आएंगे और ये इसके साथ बाइंड हो जाएंगे. तो बाइंड जैसे ही होंगे तो इसमें एक बॉन्डिंग कम हो जाएगी, तो इट विल बी लाइक दिस. ओके, सो इट विल बी नाइट्रोजन, दो बॉन्ड रहेंगे नाइट्रोजन और यहाँ पे क्या बाइंड हो गया इसके साथ, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड यहाँ पे भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. ठीक है, अगेन दो हाइड्रोजन फिर दोबारा से आ गए और फिर वापस इसके साथ बाइंड हुए. तो ये देखिए इस तरह से बाइंड होगा, ये आपका एंजाइम है एज इट इज. ओके एंड सॉरी, सो इट विल बी नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड रह गया क्योंकि अब ये यहाँ से बाइंड हो रहा है और यहाँ पे दो बार हाइड्रोजन बाइंड हो गया, हाइड्रोजन प्लस होगा. ठीक है, ध्यान रखना इट विल बी हाइड्रोजन प्लस बाइंड हुआ. अगेन इसमें दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दोबारा ऐड होंगे और ये क्या होगा, अल्टीमेटली क्या बनाएगा, आई विल मेक शो यू. नाइट्रोजन नाइट्रोजन और यहाँ पे क्या बाइंड हुए, तीन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बाइंड हो गए. हेयर ऑल्सो थ्री मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गेट बाइंडेड. ओके, जैसे ही ये बाइंड हुआ अब क्या है, इस नाइट्रोजन के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है तो अब ये इसको रिलीज होना होगा. अब ये नो मोर इट इज़ मतलब ये इसके साथ तो जुड़ा नहीं रह सकता क्योंकि अब इस एंजाइम का काम तो खत्म हो गया. तो ये यहाँ से क्या हो गया, सेपरेट हो गया, देर इज़ नो बॉन्डिंग. तो ये एंजाइम तो एज इट इज़ यहाँ से निकल गया. ठीक है, एंजाइम का रोल ही ये होता है रिएक्शन को परफॉर्म कराना और निकल जाना. और इसके अलावा मेरे पास क्या मिल गए, टू मॉलिक्यूल ऑफ NH3. ठीक है, ये एक अलग मॉलिक्यूल हो गया और ये एक अलग मॉलिक्यूल हो गया. तो मेरे पास टू मॉलिक्यूल ऑफ NH3 मिल गए. ठीक है, अगर मैं इस रिएक्शन को पूरा कम्प्लीटली लिखूँ तो क्या हुआ, मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन और यहाँ पे एट मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गेट एक्टेड, उसी के साथ एट मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आएंगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, प्लस 18 मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज गेट यूज. और इससे क्या बन रहा है मेरे पास, टू मॉलिक्यूल ऑफ NH3. ठीक है, तो सिक्स हाइड्रोजन, सिक्स हाइड्रोजन तो इसके पास यूज हो गए. अगेन दो हाइड्रोजन एज इट इज निकल जाएंगे इसमें से. ठीक है, प्लस 18 ADP एंड 18 फॉस्फेट. और इसको हम एक दूसरी फॉर्म में भी दिखा सकते हैं कि एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकल गया. ये जो ATP है ये क्या कर रहा है, जैसे ही हाइड्रोजन इनके साथ बाइंड कर रहे हैं उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बाइंड करने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, हमें यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करना पड़ रहा है. और जब भी बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो एनर्जी हमें देनी पड़ती है और कभी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी निकलती है. तो यहाँ पे जब बॉन्ड ब्रेक करना है तो मुझे ATP के फॉर्म में उसको एनर्जी देनी होगी. दैट्स व्हाई दीज 18 ATP मॉलिक्यूल आर यूज ओवर दिस होल प्रोसेस. सो आई होप दिस बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, रेस्ट प्रोसेस सेम ही है, नाइट्रोजन फिक्स हुआ, अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद वो वापस उसके नाइट्रेट्स मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होगा, दैट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, जो मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ. नाइट्रिफिकेशन होता है, डीनाइट्रिफिकेशन होता है, अमोनिफिकेशन होता है. रेस्ट प्रोसेस आर सेम, डिपेंड करता है कि नाइट्रोजन शुरू में जो अमोनिया में कन्वर्ट हो रही है वो किस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट हो रही है वो मैं आपको बता चुकी हूँ. सो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. कोई डाउट है प्लीज पुट योर क्वेरी. एंड येस, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल. एंड येस वन मोर थिंग गाइज, प्लीज प्रेस द बेल आइकन, तभी आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलेंगे. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट.